राम राम साथियों, क्या हालचाल। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आलू की सफल खेती किस प्रकार से की जाती है। आलू के बारे में यह तथ्य आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और इस वीडियो में आलू के लिए खेत का चयन किस प्रकार से किया जाता है, आलू की खेत की जुताई किस प्रकार से करनी चाहिए, आलू लगाते समय खाद और उर्वरक क्या दिया जाता है, इसको लगाने का समय क्या होता है, कौन कौन से बीज लगाने चाहिए, उन बीज की क्या दर होती है, बीज को लगाते समय किस प्रकार से बीज उपचार किया जाता है, आलू लगाते समय आलू की दूरी क्या रखनी चाहिए, किस प्रकार से आलू की सिंचाई करनी चाहिए और आलू लगाने के बाद उसमें किस प्रकार से मिट्टी चढ़ाई जाती है, आलू की खुदाई किस प्रकार से की जाती है और आलू का उत्पादन कितना और उसकी क्या कीमत रहती है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खेत का चयन किस प्रकार से करना चाहिए, इस बात पर बात करते हैं। आलू की खेती के लिए समतल और मध्यम ऊंचाई वाले खेत ज्यादा उपयुक्त होते हैं। साथ ही अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी और बालुई दोमट मिट्टी जिसकी पीएच मान 5.5 से 5.7 के बीच हो, जहां सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हो, वह खेत आलू के लिए उपयुक्त होता है। खरीफ मक्का और आगा धान से खाली किए गए खेत में इस खेती का करना अच्छा माना जाता है। तो आइए बात करते हैं खेत की जुताई किस प्रकार से करनी चाहिए। ट्रैक्टर चलित मिट्टी पटाने वाले यंत्र जो आपके पास उपलब्ध हो, इससे आप मिट्टी पटना करने के बाद खेत आलू की रोपने के लिए तैयार हो जाता है। प्रत्येक जुताई में 2 दिन का अंतर रखने से खरपतवार में कमी आती है तथा मिट्टी का अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक जुताई के बाद हेंगा तथा खरपतवार निकालने की व्यवस्था की जाती है। ऐसा करने से खेत की नमी बनी रहेगी तथा खेत खरपतवार से मुक्त हो जाएगा। किसान भाइयों, आइए अब बात कर लेते हैं खाद और उर्वरक के बारे में। आलू बहुत खाद खाने वाली फसल है। यह मिट्टी के ऊपर सतह से ही भोजन प्राप्त करती है, इसलिए इसे प्रचुर मात्रा में जैविक एवं रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसमें सड़े गोबर की खाद 200 क्विंटल प्रति तथा 5 क्विंटल खली प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है, या 40 से 50 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर से प्रयोग कर जुताई की जाती है। खली में अंडे, सरसों, नीम एवं करंज जो भी आसानी से मिल जाए उसका उपयोग करें। ऐसा करने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति हमेशा कायम रहती है तथा रासायनिक उर्वरक पौधे को आवश्यकतानुसार सही समय पर मिलता रहता है। रासायनिक उर्वरक के 150 किलोग्राम नाइट्रोजन 330 किलोग्राम यूरिया के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। यूरिया की आधी मात्रा यानी 165 किलोग्राम रोपने के समय तथा शेष 165 किलोग्राम रोपने के 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ाने के समय डाला जाता है। 90 किलोग्राम सुपर तथा 100 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। सुपर के लिए डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट दोनों में से किसी एक की खाद प्रयोग करें। डीएपी की मात्रा 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा 560 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा पोटास 170 म्यूरियट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। सभी उर्वरकों को एक साथ मिलाकर अंतिम जुलाई के पहले खेत में छींट कर जुताई के बाद पाटा देकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। रोपने के समय आलू की पंक्तियों में खाद डालना अधिक लाभदायक है, परंतु ध्यान रहे उर्वरक एक आलू के कंद में सीधा संपर्क न हो, नहीं तो कंद सड़ सकता है। इसलिए व्हील हो या लहसुन या हल से नाला बनाकर उसी में खाद डालें। खाद की नाली में 5 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर नाली में आलू का कंद डालें। यदि पोटैटो प्लांटर उपलब्ध हो तो उसके अनुसार उर्वरक प्रयोग में परिवर्तन किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं रोपने का समय और जलवायु के बारे में। जलवायु के बारे में बात करते हैं। आलू की खेती के लिए ठंड का मौसम अर्थात रबी का सीजन काफ़ी उपयुक्त है। इसके लिए दिन का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। वही कंद बनने के समय 25 से 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा तापमान होने पर कंद का विकास रुक जाता है। अब बात कर लेते हैं रोपने का समय। हस्त नक्षत्र के बाद दीपावली के दिन तक आप रोपने का उत्तम समय होता है। वैसे अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक आलू की रोपनी की जाती है, परंतु अधिक उपज के लिए मुख्य कालीन को 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरा कर ले। तो किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं बीज की। तो आवश्यकता एवं इच्छा के अनुसार बीज का चयन करें। राजेंद्र आलू 3, कुर्फी ज्योति, कुर्फी बादशाह, कुर्फी पुखराज, कुर्फी सतलज, कुर्फी आनंद और कुर्फी बिहार मध्य आगत के लिए प्रचलित बीज है, जो 90 दिन के लेकर 105 दिन में परिपक्व हो जाता है। राजेंद्र आलू 1, कुर्फी सिंदूरी एवं कुर्फी लालिमा आलू के प्रचलित पिछात
बीज हैं जो 120 दिन से लेकर 130 दिन तक परिपक्व हो जाते हैं। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं बीज की मात्रा के बारे में। आलू का बीज मात्रा, इसके कंद के वजन दो पंक्तियों की बीज की दूरी तथा प्रत्येक पंक्तियों में दो पौधे की बीज की दूरी पर निर्भर करता है। प्रति कंद 10 ग्राम से 30 ग्राम तक वजन वाले आलू की रोपनी करने पर प्रति हेक्टेयर 10 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल तक आलू के कंद की आवश्यकता होती है। अब बात कर लेते हैं बीजोपचार की। तो किसान साथियों, शीत भंडार से आलू निकालने के बाद उसे त्रिपाल या पक्की फर्श पर छायादार एवं हवादार जगह में फैलाकर कम से कम एक सप्ताह तक रखा जाता है। सड़े एवं कटे कंद को प्रतिदिन निकालने रहना चाहिए। जब आलू के कंद में अंकुरण निकलना प्रारंभ हो जाए तब रसायन बीजोपचार के बाद बुआई करनी चाहिए। शीत भंडार से निकले कंद को फफूंद एवं बैक्टीरिया से जनित छुआछूत रोगों से सुरक्षा के लिए फफूंदनाशक एवं एंटीबायोटिक दवा का उपयोग किया जाता है। इसके लिए ड्रम, बाल्टी, नाद या टीन में नाप कर पानी लिया जाता है। प्रति लीटर पानी में 5 ग्राम एमिशान 6 तथा आधा ग्राम यानी 500 मिलीग्राम स्ट्रोपोसाइक्लिन एंटीबायोटिक दवा का पाउडर मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। इन घोल में कंद को 15 मिनट तक डुबाकर रखने के बाद घोल से आलू को निकालकर तिरपाल या खली बोरी पर छायादार स्थान में हिलाकर रखा जाता है ताकि कंद की नमी कम हो जाए। घोल बहुत गंदा हो जाने पर या बहुत कम हो जाने पर उसे घोल को फेंक कर फिर से पानी डालकर नया घोल तैयार कर लिया जाता है। फफूंद नाशक दवाओं में घोल तैयार करने वाले एमिशान 6 सस्ता पड़ता है। इसके अभाव में इंडोफिल M45, क्राफ्टान या ब्लाइटाक्स 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर घोल बनाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि रासायनिक बीजोपचार आवश्यक है। ऐसा करने से खेत में आलू की सड़न रुक जाती है तथा कंद अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं आलू की रोपने की दूरी के बारे में। आलू की सही फसल के लिए दो पंक्तियों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक रखें। प्रत्येक कतार में दो कंद के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक रखें। छोटे कंद को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा बड़े कंद को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपनी करें। तो अब बात करते हैं दोनों तरह की रोपनी की विधि के बारे में। आलू रोपने के समय ही कुदाली से मिट्टी चढ़ाकर लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचा मेड़ बना दिया जाता है तथा उसे कुदाली से हल्का थपथपाकर मिट्टी दबा दिया जाता है ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे तथा सिंचाई में भी सुविधा हो। यदि सुविधा हो तो खेत में पोटैटो प्लांटर से भी रोपनी की जाती है। इसके द्वारा समय एवं श्रम दोनों ही बचत होती है। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं इस फसल को सिंचाई किस प्रकार से की जाती है। कहावत है, आलू पानी चाटता है पीता नहीं है, इसलिए हम एक बार में थोड़ा पानी कम अंतराल में देना अधिक उपज के लिए लाभदायक है। चूंकि खाद की मात्रा ज्यादा रखी जाती है इसलिए रोपने के 10 दिन बाद परंतु 20 दिन के अंतर में ही प्रथम सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से अंकुरण शीघ्र होगा और प्रति पौधा कंद की संख्या बढ़ जाती है। इसके कारण उपज में दो गुनी वृद्धि हो जाती है। प्रथम सिंचाई के समय पर करने से खेती में डाले गए खाद का उपयोग फसलों द्वारा प्रारंभ से ही आवश्यकता अनुसार होने लगता है। दोनों सिंचाई के बीच का समय खेत की मिट्टी की दशा एवं अनुभव के आधार पर घटाया जा सकता है। फिर भी दो सिंचाई के बीच में 20 दिन से ज्यादा अंतर न रखें। खुदाई के 10 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर दें। ऐसा करने से खुदाई के समय कंद सुरक्षित एवं स्वच्छ निकलेंगे। ध्यान रखें, प्रत्येक सिंचाई में आधी नाली तक ही पानी दें ताकि शेष भाग रिसाव द्वारा जमा हो जाए। निकाई और गुड़ाई पर बात करते हैं। प्रथम सिंचाई के बाद यानी रोपने के 20 या 25 दिन के बाद खुरपी से खरपतवार निकाल दिया जाता है। फिर फसल अवधि में दो बार निकाई गुड़ाई आवश्यक होती है। किसान साथियों, अब बात करते हैं मिट्टी चढ़ाने के बारे में। रोप के 30 दिन बाद दो पंक्तियों के बीच में यूरिया का शेष आधी मात्रा यानी 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर कुदाली से मिट्टी बनाकर प्रत्येक पंक्ति में मिट्टी चढ़ा दिया जाता है तथा कुदाली से हल्का थपथपाकर दबा दिया जाता है ताकि मिट्टी में पकड़ बनी रहे। यह आधुनिक साधनों की सहायता से मिट्टी की चढ़ाई की जाती है। तो किसान साथियों, अब एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, पौधे की सुरक्षा, जो हर किसान साथियों के लिए जानना आवश्यक है। भूमिगत कीड़ों से सुरक्षा हेतु रोपने के समय ही फोरेट 10G या इर्सभान 10G जिसमें क्लोरोफायरीफास नामक कीटनाशी दवा रहता है, इसका 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों के साथ ही मिलाकर रोपने के पूर्व उपयोग किया जाता है। ऐसा करने से जड़ छेदक कीड़ों से जो मिट्टी में ही दबे रहते हैं उनकी सुरक्षा मिल जाती है। पिछात झुलसा रोग
से बचाने के लिए 10 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक 10 से 15 दिन के अंतराल पर फफूंदीनाशक दवा का छिड़काव करें। प्रथम छिड़काव में इंडोफिल M45, दूसरे छिड़काव में ब्लाइटॉक्स एवं तीसरे छिड़काव में इंडोफिल M45, दूसरे छिड़काव में ब्लाकेटाइस एवं तीसरे छिड़काव में आवश्यकता अनुसार रेडोमिल फफूंदीनाशक दवा का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। प्रति हेक्टेयर 2.5 किलोग्राम दवा एवं 1000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लगभग 60 टन पानी प्रति हेक्टेयर लग जाता है। ऐसा करने से फसल सुरक्षा बढ़ जाती है। 14 फरवरी के आसपास लाही गिरने का समय हो जाता है। यदि लाही का प्रकोप हो तो मेटासिस्टो नामक कीटनाशक दवा का प्रति लीटर पानी में 1 मिली दवा का डालकर स्प्रे किया जाता है। दवा नापने के लिए प्लास्टिक सीरीज का उपयोग करें। लाही नियंत्रण में आलू से पुरकी रोग यानी लीग निषाणु रोग का खतरा कम हो जाता है। आलू रोपने के 60 दिन बाद प्रत्येक पंक्ति में घूमकर फसल को देखा करें। यदि आलू का कंद दिखाई पड़े तो उसे मिट्टी से ढक दे, नहीं तो उसका रंग हरा हो जाएगा तथा कंद का बढ़ना रुक जाएगा। चूहा द्वारा क्षति का भी अंदाज लग जाएगा। चूहा के आक्रमण पर प्रत्येक दिन में 100 ग्राम थीमेट नामक कीटनाशक दवा डालकर खेत को बंद कर दे। ऐसा करने से चूहा बिल में ही मर जाएगा या नहीं तो खेत छोड़कर भाग जाएगा। किसान साथियों, आगे बात करते हैं लतर काटना। यदि आलू को बीज के लिए या अधिक दिनों तक रखा हो तो परिपक्व अवधि पूर्ण होने पर लतर काट दे। लतर काटने के 10 दिन बाद खुदाई करें। ऐसा करने से कंद का छिलका मुड़ता नहीं है, जिससे आलू की भंडार क्षमता बढ़ती है तथा सड़न में भी कमी आती है। तो अब बात करते हैं उपज और खुदाई के बारे में। तो किसान साथियों, बाजार भाव एक आवश्यकता को देखते हुए रोपने के 60 दिन बाद आलू की खुदाई की जाती है। यदि भंडार के लिए आलू रखना हो तो कंद की परिपक्वता की जांच की जाती है, इसके बाद ही उसकी खुदाई की जाती है। परिपक्वता की जांच के लिए कंद को हाथ में रखकर अंगूठे से दबाकर फिसलाया जाता है। यदि ऐसा करने पर कंद का छिलका अगर नहीं होता है तो समझा जाता है कि कंद परिपक्व हो गया है। ऐसे कंद की खुदाई करने पर भंडार में कंद सड़ता नहीं है। खुदाई दिन के 12 बजे तक पूरा कर लेनी चाहिए। खुदे कंद को धूप में न रखें, छायादार जगह में रखा जाता है। धूप में रखने पर भंडार क्षमता घट जाती है। 15 मार्च तक आलू से सभी प्रकार के बीज की खुदाई अवश्य पूरी कर लेनी चाहिए। खुरपी या पोटेटो डिंगर से खुदाई की जाती है। खुरपी से खुदाई करने पर ध्यान रखें आलू कटने ना पाए। कहावत है, आलू नहीं कटती है तकदीर कट जाती है। यदि आलू को सीड भंडार भेजना है तो कटे एवं सड़े आलू की छाट कर खुदाई के 1 सप्ताह बाद बोरे में बंद कर भेज दे। प्रत्येक बोरे के अंदर बीज का नाम लिख दे तथा बोरे के ऊपर भी अपना पता लिख दे। अब बात करते हैं उपज के बारे में। तो किसान साथियों, परिपक्वता अवधि एवं अनुशासित फसल प्रणाली को अपनाने पर रोपने के 60 दिन बाद 100 क्विंटल से 75 दिन बाद 200 क्विंटल, 90 दिन बाद 300 क्विंटल तथा 105 दिन के बाद बीज के अनुसार 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा उपज प्राप्ति की जाती है। परंतु यदि प्रथम सिंचाई के रोपने के 10 दिन बाद तथा 20 दिन के अंतर न हो तो उपज आधी हो जाती है। खेत गहरा ना जोता जाए तो बहुत बार जोतने से भी क्या लाभ होता है, इसलिए गहराई से जितना जरूरी है उतना सही से जोते। अच्छी फसल के लिए खेती की हेंगाई मतलब खेती की मिट्टी फोड़ना बहुत जरूरी है। तो किसान साथियों, यह थी आलू की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से की जाती है, इसकी संपूर्ण जानकारी। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।